नमस्कार दोस्तों, यह है 3 HP सोलर पंप जो कि इसको लगे हुए लगभग 6 से 7 महीने हो गए हैं। तो दोस्तों, अब इसमें हमने लगवा लिया है इन्वर्टर और बैटरी। तो हम आपको चल के दिखा रहे हैं दोस्तों कैसे लगवाया है। यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले यहाँ सिस्टम देखिए, पूरा केबल लगा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे हमने ये देखिए, दो पैनल एक और ये दोनों पैनल एक, ये दोनों यानी 2 किलोवाट दोस्तों इधर से और 1 किलोवाट इधर से। ये रहा पैनल, यहाँ से एक केबल गया है दोस्तों ऐसे, और यहाँ पे आके दोस्तों ऐसे ये देखिए, और ये 1 किलोवाट ये। तो ये टोटल कुल मिला के दोस्तों, ये पूरा जो यहाँ पे 6 पैनल हैं दोस्तों, ये 3 किलोवाट बन रहा है पूरा टोटल मिला के। ये तीनों हमारे यानी ये जो 3 किलोवाट बन रहे हैं दोस्तों, पूरा पूरा हमने ये इन्वर्टर में लगवा दिया है दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से केबल आके ऐसे अंदर गया है दोस्तों। तभी हम अंदर चल के आपको दिखा रहे हैं ये कैसे लगा हुआ है और ये कितने रुपए में पड़ा है दोस्तों। दोस्तों, ये रहा इन्वर्टर जो कि दोस्तों ये इप्रो कंपनी का है, और इसका खर्च दोस्तों आया है 19,000 रुपये। और ये देखिए दोस्तों, इसमें छोटी सी LCD लगी है, और ये देखिए इसमें पूरा सिस्टम बताता है दोस्तों कितना चार्ज है, कितना ये सोलर पैनल करंट दे रहा है, और बैटरी चार्ज होगी फुल चार्ज हो जाएगी दोस्तों वो भी बताता है इसमें। और ये देखिए इतना बड़ा है ये, और इसमें दोस्तों 2 बैटरी लगी हैं जो कि दोनों बैटरी 200 mAh हैं दोस्तों, और ये बैटरी एक साइड की बैटरी लगी है दोस्तों, और इसमें डबल बैटरी सेट हुआ है, और जो कि दोस्तों ये बैटरी 16,000 रुपये की लगी है, और ये इन्वर्टर 19,000 रुपये का लगा है दोस्तों। दोस्तों, इसमें टोटल खर्च जो कि 51,000 रुपये पड़ा है, और इसको लगे हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं दोस्तों। पहले दोस्तों इसमें क्या था, पहले दोस्तों ये वाला केबल लगा हुआ था जो कि चार्ज ही नहीं हो रहा था ये दोस्तों, ये हमारा इन्वर्टर यानी ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। उसके बाद में ये दोस्तों ये केबल लगा जो कि ये 6 mm का है दोस्तों, और दोस्तों इसके इसके लगने से ये बहुत ही अच्छा चार्ज हो रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों ये केबल जो आया है, ये है दोस्तों, ये है दोस्तों 80 रुपये मीटर केबल पड़ा है दोस्तों, जो कि ये लगने के बाद ये केबल लगा है तब से ये बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों। अगर आपके यहाँ लाइट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इन्वर्टर यानी ये जो दोनों इन्वर्टर यानी ये दो बैटरी लगी है और ये इन्वर्टर है दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम करता है, जो कि यहाँ पे 2 कूलर 4 फैन लाइट बत्ती मोबाइल चार्जिंग कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आप बिंदास चलाइए, इससे दोस्तों आप 1.5 टन की AC भी चला सकते हैं, और दोस्तों अगर आपने घर पे टुल्लू मोटर रखा है समरसेबल वो भी चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप दिन में ही चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि रात में ये बैकअप आपको नहीं देगा। दिन में जब धूप रहेगी तो आप चलाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, और अच्छा चलेगा। और दोस्तों आपने ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों जो ये वायर लगा है दोस्तों, ये सिल्वर कॉपर केबल है दोस्तों, जो कि ये 80 रुपये मीटर है दोस्तों, बहुत ही महंगा है केबल, लेकिन फिर ये काम इसी में करेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप इससे पतला लगाएंगे तार तो ये काम नहीं करेगा। जैसे दोस्तों हमने ये वाला केबल लगाया था तो ये हमारा बैटरा चार्ज ही नहीं हो रहा था दोस्तों, जो कि दिन में काम करता था लेकिन रात के लिए कोई बैकअप ही नहीं था, तो इसलिए इसको लगवाया, और ये बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों। और ये दोस्तों इसमें टोटल ये देख रहे हैं आप, 2 बैटरी हैं जो कि अभी ये बिल्कुल नई दोस्तों बैटरी लगी हैं, और इसको ये 14 वोल्ट की हैं दोस्तों, 14x28 वोल्ट हुआ है ये बैटरी का। और ये देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लगा है ये दोस्तों। अगर आपने सोलर पैनल लगवाया है तो आपने कितने HP का लगवाया है आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको लगवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप लगवा सकते हैं, जो कि दोस्तों ये जो पैनल आ रहे हैं, ये पैनल दोस्तों एक पैनल 24 वोल्ट करंट जनरेट कर रहा है दोस्तों, तो आप ये लगभग 1 बैटरी नहीं लगवा सकते दोस्तों, 2 बैटरी लगवाएंगे तभी आपका ये सोलर पैनल यानी जो इन्वर्टर बैटरा है दोस्तों काम करेगा। एक यानी ये जो 12 वोल्ट की बैटरी आती है दोस्तों, ये बैटरी आपको डबल लगानी पड़ेगी तभी आपका ये काम होगा, सिंगल बैटरी में आप नहीं लगवा सकते हैं। अगर सिंगल में लगवाएंगे तो दोस्तों चार्जिंग सही से नहीं होगा, दिक्कत होगी आपको,
आप परेशान ही रहेंगे, जो कि अगर आप डबल लगवाएंगे बैटरी तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। अगर आप लगवाना चाहते हैं दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों ये अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम फिर एक नई वीडियो मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।